ए क्या कर रहा है? मुझे जी अरे आज छोड़ो मेरा ए अभी तो पता नहीं जा रहा है अभी तो तोरे बाहर आ अगो भाई ये किसका अवस्था क्या हुआ सुमित्रा तुम चिल्ला के इतने जोर से हाँ मैं नहीं तो कौन बैठ क्या हुआ अभी जिसको कोई उठा के ले गया हूँ तो आ रहे अपन भाभी जोया जी शर्वरी जी आ जाइए जल्दी बाहर आ जाइए क्या हुआ शर्वरी जी जोया जी आप दोनों के प्यारे दोस्त को कोई उठा के ले गया कौन प्यारा दोस्त शर्वरी जी प्यारा प्यारा दोस्त अभिजीत बोल रही है कौन प्यारा दोस्त अभिजीत ही होगा ना या कोई और है प्यारा इनकी जबान है कि मानती नहीं कुछ ना कुछ उल्टा सुलटा बोलती ही रहती है जोया जी आप तो बोलिए मत जाइए अपना उल्टा सुलटा डांस कीजिए शर्मिला जी क्या बात कर रहे हो आप कौन लेके गया अभिजीत को शर्वरी जी अगर मुझे पता होता तो मैं इतना हल्ला गुल्ला क्यों करती डम शर्वरी दुक्का दुक्का अभिजीत की रक्षा करना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये जो कोई भी था सोसाइटी में कैसे आया गेट से आएगा और कैसे आएगा कॉमन सेंस ही नहीं है इसके पास बस सीढ़ियां ऊपर नीचे करने के लिए बोलो सुमित्रा जी अपना लॉजिक अपने पास रखिए हमारे ऊपर झाड़ने की जरूरत नहीं है उसको जोया जी आप क्यों उसके वकील बन रही हो हर बार कोई ना कोई शर्वरी का वकील बनता रहता है अरे उसको क्या अपना मुंह नहीं है क्या या भगवान ने सिर्फ खूबसूरत चेहरा दिया है काय का खूबसूरत मेकअप करती है 4 किलो खूबसूरत चेहरा मुझे तो लगता है जरूर कुछ पैसों का कांड किया होगा इसने किसी से उधारी ली होगी और उठा के ले गए बहू रानी वो थे पॉइंट जैसे माँ दामाजी को उठा के कोई ले गया अरे वाह हाँ अरे क्यों दामाजी को कौन उठा के ले गया लड़की को भगाया ऐसा सुना था पर लड़के को भगाते हुए पहली बार देखा मैंने चलो अच्छा है इक्वालिटी हो रही है ससमा क्या बोल रहे हो आप ये कहे कि इक्वालिटी है किसी को भी भगाना नहीं चाहिए ना लड़की को ना लड़के को भगाना गुनाह होता है हाँ ना ये गुनाह है बराबर बोली गुनाह ही है ये 20 साल पहले मेरे बेटे ने भी किया प्रवीण भाई ने तुमको भगाया था क्या वो भगाया था तुमको भगा के लाया क्या हाँ बोलो बोलो हाँ बोलो बोलो भगोड़ी पता नहीं दामाद जी किस हालत में होंगे शिला तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्या तेरा पति गायब हो गया पति है कुछ तो बोल एकदम शांत बैठी है पुतले की तरह शिला भाई सदमा लग गया बेचारी को शायद क्यों होगी वो सदमे में वो लगेगा क्या अरे उसका सुअक था वो मिट गया शायद इसमें क्या बोल रही हो आप शुभ शुभ बोलिए अगर नहीं होता आप शुभ शुभ बोलना तो आप शुभ तो मत बोलिए मुझे समझाने से पहले खुद चुप हो जा क्या हुआ होगा दामाद जी को क्या हुआ होगा क्यों इतना ड्रामा कर रही है जो भी उसको उठा के लेके गया होगा रख देगा वापस आके 2-3 घंटे बाद और नहीं तो क्या उठा के ले गया गलती से ले गया होगा उठा के मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है क्या गड़बड़ कुछ तो गड़बड़ है शर्मिला अभी जिस सोसाइटी से ऐसे गायब होने के पीछे किसी सोसाइटी वाले का ही हाथ है शर्वरी जी बचपन का दोस्त था वो आपका सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है अभिजीत के बारे में आप ही को पता होगा कहीं इसी का फायदा उठा के आपने उसका गेम तो नहीं बचा दिया मजाक कर रही हूँ तू ऐसा नहीं कर सकती जोया जी बहुत सारे राज आप अपने दिल में रखती हो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करती पर हमसे जरा बात क्या करो बुरी नहीं हूं मैं इतने भी कहीं आपने तो अभिजीत को किडनैप नहीं करवाया अपने बॉडीगार्ड फ्रेंड से खबरदार सुमित्रा जी किसी के भी ऊपर आरोप मत लगाइए आप बॉडीगार्ड ऐसा कर ही नहीं सकते ओहो बड़ा विश्वास है उसके ऊपर क्या बात है शर्मिला कुछ कुछ होता है मैनर्सलेस पना बिल्कुल नहीं जाता है जोया तू भी ऐसा नहीं कर सकती शर्वरी जोया दोनों में इतनी हवा है नहीं कि वो किसी की हवा गुल कर सके श्रेया की दादी सुमा के ऊपर मुझे डाउट है उनको अभिजीत का भी फूट याक नहीं समाया हर बार बेचारे को फुसका 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 करती रहती थी घर का बेदी लंका ढाए नहीं बुढ़िया में इतना दम
तुम्हारी सास में इतना दम नहीं, वो इतना बड़ा कदम उठाए। शीला, शीला क्यों करेगी, वो तो उसकी पत्नी है। शर्मिला, तुम सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल नहीं देखती क्या? नहीं भाई, मैं नहीं देखती ऐसा कुछ। मैं देखती हूँ, इसलिए ऐसी है। अक्सर जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं, जिनके ऊपर शक की सुई नहीं जाती, आखिर में वही गुनहगार होते हैं। वही शीला, मुझे यह बता, तेरे और अभिजीत के बीच का कनेक्शन कैसा था? कोई कनेक्शन ही नहीं है उनके बीच। सवाल आपकी बेटी से हो रहा है, हर बार फुटेज खाने की क्या जरूरत है आपको? बोल शीला। पूरे सोसाइटी को पता है अभिजीत के साथ मेरा कनेक्शन कैसा था। हमारे बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। किस रीजन की वजह से होती थी लड़ाई? वो ऐसी हरकतें करता था जिससे आ जाता था मुझे गुस्सा, हो जाता था झगड़ा। कैसी हरकतें? क्या कर लिया तुझे इतनी पंचायत? देखिए श्रेया की दादी, मुझे ऐसा लगता है ये जो कुछ भी चल रहा है इसमें शीला के पहले वाले का हाथ होगा। पहले वाले का हाथ? मेरे को समझ नहीं, क्या बोल रही हो सुमित्रा तुम? साफ साफ ही बोल देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है अभिजीत को किडनैप शीला के बॉयफ्रेंड ने किया होगा, क्योंकि शीला की शादी अभिजीत के साथ जबरदस्ती करवाई गई। यह बात शीला के बॉयफ्रेंड को हजम नहीं हुई होगी, इसलिए अभिजीत से बदला लेने के लिए उसने उसको किडनैप कर दिया। कि नहीं तुझे कुछ में क्या बोल रही है? अरे उसका बीएफ होता तो सबसे पहले मुझे पता चलता क्यों शीला। सुमित्रा जी क्या बोल रही हो आप? ये भगवान ने मुंह दिया तो आप कुछ भी बोलोगे। देखो देखो गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। ये सबसे बड़ा, देखो ये सबसे बड़ा प्रूफ है, जिसको गुस्सा आता है ना अक्सर वही सच निकलता है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। शीला कैसे, इसमें तेरा कोई पहला बॉयफ्रेंड था क्या? भाभी मैं बहू, तू तो बाकियों के बस बातों में आती रहती है, खुद का कभी स्टैंड ही नहीं होता तेरा। ऐसी नहीं है हमारी शीला। शीला देखो, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ज्यादा पता होगा, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कौन होगा अभिजीत को लेके जाने वाला? अरे क्या आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे क्या पता वो कहाँ चला गया। शीला तुम उसकी पत्नी हो, आप भी बनना चाहती थी पर आपका सपना पूरा नहीं हुआ। देखो शीला तुम उसकी पत्नी हो, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। शर्वरी मैडम, आई नो मैं उसकी पत्नी हूँ और सबसे ज्यादा उसके साथ रहती हूँ, बट मुझसे पहले तुम उसकी बचपन की दोस्त हो, तुम तो उसको बचपन से जानती हो। शीला मैं तेरे साथ हूँ, तू बराबर बोल रही है। आप बीच में मत बोलिए, शांत रहिए। अरे भाई मैं तेरे साइड से बोल रही हूँ, भलाई का कोई जमाना है कि नहीं, तेरी भलाई कर रही हूँ मैं। कुछ मत बोलिए आप, वही सबके लिए भलाई है। हाँ शर्वरी क्या बोल रही थी मैं, यस मुझसे ज्यादा तुम उसको जानती हो। पिछले 2 महीनों से तुम अभिजीत के साथ रह रहे हो, कुछ तो पता होगा ही तुम्हें। 2 महीनों में किसको क्या पता चलता है शर्वरी, तुम तो लगभग 20 सालों से उसको जानती हो। एंड आई थिंक ये जो सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो ना, कहाँ गया अभिजीत, कौन हो सकता है, उल्टा मुझे तुमसे पूछना चाहिए कहाँ गया अभिजीत और वो कौन थे। बोला आंटी। अगर फिर से तुमने मुझे आंटी बोला तो याद रखना मैं आंटी हूँ क्या? आंटी आंटी आंटी। क्या किया आपने? बहू मैंने कुछ नहीं किया। जरूर आपने कुछ किया होगा इसलिए वो आए हैं। मैंने कहा ना कुछ नहीं किया मैंने, पता नहीं है क्यों आ गया पीछे पड़ा। सच सच बोलिए ना सुमा, क्या चल रहा है आपका, कहीं उनके साथ ऑनलाइन चैटिंग तो नहीं करते? बड़ी मासूम बनती है, ऑनलाइन चैटिंग के बारे में कैसे पता तुझे? कैसे वो सब क्यों देख रहा है मेरी तरफ कंटिन्यू? I know I am very beautiful, but ऐसा ताड़ना होता है, I am married. आप बात को घुमाइए मत, साफ साफ बोलिए क्या चल रहा है आपका चक्कर? मैं डुकर। तू अपनी सास के ऊपर शक कर रही है, शर्म नहीं आती तुझे? शर्मिला आपके अंदर गुनी इतने भरे हैं कुट कुट के, शक तो हो गई। लैला जी लगता है मेरा आवाज उधर तक नहीं जा रहा, मुझे को खुद जाना पड़ेगा। ऊपर आ क्यों रहा है, मेरी तरफ ही आ रही है, जो नो इधर से। मैं इतनी सुंदर क्यों हूँ भगवान, क्यों मुझे इतना सुंदर बनता है? हेलो अन्ना अपा,
हेलो लैला जी। ससमा आपको हाई कर रही। ओ लैला जी आपको हाई कर रही। हेलो। वो बहुत डरती आपसे, पिछली बार आपने वो अयो लैला जी। अच्छा आपको इससे भी डर लगता है ना, मैं रख देता हूँ। देखिए डरिए मत, पिछली बार की जैसे मैं इस बार आपसे झूठ मूठ की शादी करने नहीं आया हूँ। भागू भाई क्या इस बार सच में पत्नी बनाने आया हो? इले इले क्या बोलती आप, ये शादीशुदा होती मैं इनके साथ कैसे शादी करती। तो क्या हुआ, आजकल सब कुछ चलता है, हमारे यहाँ नहीं विदेशों में, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं चलता। देखिए वो मैं संजुला को लेके आया हूँ, वो आज भाई दूज है ना। अच्छा अरे हाँ, संजुला ने अभिजीत को भाई माना था ना। एक मिनट कहीं आपने तो फुसके को किडनैप नहीं कर दिया? लैला जी मैं क्यों करूंगा ऐसा। फिर किसने किया अभिजीत को किडनैप? हेलो एवरीवन, आओ आओ सुंदरम संजुला, तो जिसके साथ भाई दूज मनाने आई है उसको ही किडनैप करके ले गए। अयो अप्पा ये क्या बोलते। हाँ संजुला मुझे को भी ये अभी पता चला, कहीं इसमें आपके दुश्मनों का तो हाथ नहीं? कौन है मेरा दुश्मन है, जितने भी थे उनको मैंने ठिकाने पे लगा दिया है। कहीं हमारी वजह से अभिजीत कोई परेशानी में ना फंस जाए। पागल है क्या तू, ऐसा कोई कर दे। अभिजीत आ गया, देखो आ गया अभिजीत। आ गया अभिजीत, मेरी तो जान ही निकल गई। अभिजीत कौन उठा के ले गया था तुझे? लगता है सुमित्रा जी ने ये अफवाह फैला दी मैं किडनैप हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है, देखिए ये मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर प्रयोग कर दिया। कितना डर गए थे सब। अभिजीत तेरे दोस्त को कुछ समझा? ए अभिजीत देखा कौन आया है तुझे से मिलने। संजुला इस बार मुझे को लगा तुम आओगे पर नहीं, मुझे कोई आना पड़ा। सॉरी सॉरी संजुला। अभी आओ यहाँ पे बैठ जाओ। मुझे लगा नहीं था तुम आओगी। कैसे नहीं आती भाई, जो माना है मैंने, एक बार मैं किसी को अपना रिश्तेदार बना लेती हूँ तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। ये लो, शादी के बाद से काफी बदल गए हो तो। तुम्हें पता है मेरी शादी हो गई? अयो मैं तुम्हारी शादी में आई तो थी, भूल गए? शायद तुम्हें देखा ही नहीं उस समय, बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया। वैसे यार नापा संजुला की भी उम्र हो गई है, कोई लड़का देखा कि नहीं उसके लिए? Sorry, sorry.